ये क्वेश्चन देखिए क्लास 9 का मेंसुरेशन का है. इन एक्सचेंज फॉर ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड वन ऑफ हूज साइज इज 84 मीटर ए मैन वांट्स टू बाय ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 144 मीटर लॉन्ग एंड ऑफ द सेम एरिया एज द स्क्वायर प्लॉट. डिटरमिन द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. अब देखिए इसमें आपको पहले जो उसके पास लैंड है वो उसका सेम जो है आपका स्क्वायर और जिसका एक साइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस प्लॉट का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट जो वो एक्सचेंज करेगा उसका एरिया भी उसी स्क्वायर प्लॉट के इक्वल में है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 84 स्क्वायर, दैट इज 84 इंटू 84, ये हो जाएगा 7056 मीटर स्क्वायर. ये एरिया हो गया. इसका मतलब जो है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया भी कितना होगा, इतना होगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये भी होगा कितना, 7056 मीटर स्क्वायर के. और इसमें देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज इक्वल टू 7056 मीटर स्क्वायर. अब यहां पर देख लीजिए आपको लेंथ दिया हुआ है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का कितना, 144 मीटर. तो 144 मीटर इंटू बी इज इक्वल टू 7056 मीटर स्क्वायर. तो एक मीटर से ये कैंसिल, बी जो होगा वो मीटर में निकलेगा, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 7056 डिवाइडेड बाय 144. और जब 7056 को 144 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 49 और यूनिट होगा उसका मीटर. और कैंसिल भी करेंगे तो भी इतना ही आएगा, कैंसिलेशन करके या डिवाइड करके जैसे भी हो आप इसका आंसर निकाल लेंगे 49 मीटर. थैंक यू.